Assalamualaikum students. Yes, but now today our topic is SI prefixes. What is the meaning of SI? System of International and meaning of prefixes. के जो आपके पास पाव है उसको बहुत simplest form में हम mention करेंगे. First we consider the example 10,000 and easily you write down the 10^3. This is a form of prefixes. SI prefixes and the main and necessary important one thing is that कि base is 10. हमेशा यहाँ पे base आपके पास 10 होगी और power आपके पास 3, 6, 9, 12 and the multiple of 3 continue आपकी रहेगी in the form of positive and the form of negative. 10^3. For example, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 is a very simplest form. 10^6. तो इजी फॉर्मेशन में पावर फॉर्मेशन में हम जो नंबर्स को बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर देंगे तो उसे हम प्रीफिक्सेस कहते हैं. आपने जैसे देखा कि मैंने यहाँ पे आपके पास 10^6 को बहुत इजी फॉर्मेट पे लिख दिया. अगर मैं ऐसे लिखना चाहूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इट इजीली कन्वर्ट इन टू 10^9. इट इज द फॉर्म ऑफ SI प्रीफिक्सेस. ठीक है, तो एक बड़ी वैल्यू को बहुत सिंपल फॉर्मेशन में हम लिख दें, पावर के फॉर्म में लिख दें तो उसे हम प्रीफिक्सेस कंसीडर करते हैं. एंड देयर आर सम प्रीफिक्सेस इन द फॉर्म ऑफ पॉजिटिव साइन एंड द विद नेगेटिव साइन. फर्स्ट वी कंसीडर द नेगेटिव साइन. 10^-1, 10^-2, 10^-3, 10^-6 एंड 10^-9, -12, -15 and -18. दिस इज कॉल्ड, दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स. Now the prefix 10^-1 is considered as a form of deci and symbol of small d, not capital D. 10^-2 centi, symbol is capital small c. 10^-3 milli, small m. -6, 10^-6 is read as micro and the symbol is mu. -9 nano and symbol is n, not capital N. Capital N आप कभी use नहीं करेंगे, small n. 10^-12 pico, symbol is p, and -15 femto, f, and -18 etto and small a. This is symbol of. तो आपने minus की जो फॉर्मेशन है वहां पे आपके जो नॉर्मली यूज है वो 10^-2, 10^-3 एंड 10^-6. ये तीन ऐसे आपके पास पावर हैं जो कॉमनली आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए कन्वर्जन में आपको यूज लाजमी करनी होंगी. नाउ वी कंसीडर दी पावर विद पॉजिटिव साइन 10^1, 10^2, 10^3 एंड 10^6. 10^1 मीन्स डेका डी ए, 10^-1 डेसी सिंबल डी. ये डिफरेंस आपने याद रखना है. 10^2 हेक्टो स्मॉल एच. 10^3 किलो के, जो अक्सर आप यूज करते हैं कि ये मोबाइल कितने का है, बड़ा इजी आप मेंशन कर देते हैं आप 30K. ये हम लैंग्वेज यूज कर रहे होते हैं आजकल कि 30K के भाई ये मोबाइल जो है ये 13,000 का है, तो आप उसको के फॉर्म में यूज कर रहे होते हैं, जबकि अमूमन हमें थोड़ा सा इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए. 10^6 मेगा कैपिटल एम. 10^9 गीगा जी. 10^12 इस वर्ड से तो आप लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ रहेंगे, टेरा कैपिटल टी. 10^15 पीटा, कभी कभी अम्मी आपको पीट देती होंगी तो ये वर्ड आपको याद ही आएगा, पीटा कैपिटल पी और एक जगह स्मॉल पी भी है. स्मॉल पी इज इंडिकेट पीको. 10^-12 कैपिटल पी इंडिकेट पीटा. 10^15 एंड 10^18 एक्सा कैपिटल ई. तो अब जो चीजें हमें कन्वर्जन में मैक्सिमम टाइम यूज होंगी मैं उनको इंडिकेट करता जा रहा हूं आपके पास. -3 10^ मिली, -2 सेंटी, -6 माइक्रो, -9 नैनो. तो मैं उनको यहां पे इस तरीके से इंडिकेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्किल में आपके पास मेंशन कर रहा हूं. यस, बाकी अभी आपके पास कन्वर्जन में इतना यूज नहीं है. इसी तरीके से इन द पावर विद पॉजिटिव साइन 10^3 एंड 10^6
ये आपके पास कॉमनली यूज होंगी। अब आज इस टॉपिक का मकसद क्या था कि यू यूज नाउ वी सॉल्व द कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज मास लेंथ एंड टाइम, इनकी कन्वर्जन हम सीखने जा रहे हैं। तो उसके लिए एसआई प्रीफिक्सेस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है और एमसीक्यूस बेस्ड कॉन्सेप्ट के लिए भी आपके पास ये चीज़ें आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि टेन के पावर माइनस वन डेसी, माइनस टू सेंटी, माइनस थ्री मिली, माइनस सिक्स माइक्रो, माइनस नाइन नैनो, माइनस ट्वेल्व पीको, माइनस फिफ्टीन फेमटो एंड माइनस एटीन एटो। नाउ वी डिस्कस द कन्वर्जन ऑफ length and conversion of mass and time. So our main topic is conversion. Conversion. First one, first conversion is length. This transformation. First one, when Km, अभी Km में आपसे बात कर रहा हूं, अभी मैं इसको रीड करूंगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K एंड M इज इक्वल टू डैश मीटर वन। अब जो फर्स्ट नंबर है वो एज इट इज आपके पास रहेगा वन, दिस मीन्स किलो, किलो मीन्स K टेन पावर थ्री, टेन पावर थ्री और वन टू थ्री, टेन की पावर थ्री को आप ऐसे भी मेंशन कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप मेंशन कर देंगे। तो यू इजीली कन्वर्ट वन मल्टीप्लाई बाय थाउजेंड एंड इज इक्वल टू वन थाउजेंड मीटर। तो याद रखिएगा आप हमेशा बेटा कि कन्वर्जन जब आप कर रहे हैं तो जो फर्स्ट आपके पास डिजिट है वो इजीली सेम एज इट इज कॉपी होगा एंड आफ्टर वर्ड आपके आफ्टर डिजिट आपके पास जो भी नंबर होगा वो प्रीफिक्स होगा, किलो माइक्रो नैनो पिको कुछ भी हो सकता है वो प्रीफिक्स होगा एंड देन यूनिट मीटर वो आप एज इट इज कॉपी कर देंगे और जो नंबर आपके पास है वो आपके पास एज इट इज कॉपी होगा एंड देन दी पुट दी प्रीफिक्स वैल्यू, जो प्रीफिक्स की वैल्यू है वो आप पुट कर देंगे और इजीली कन्वर्ट कर देंगे। इट्स मीन यू सेड दैट कि वन किलोमीटर इज इक्वल टू थाउजेंड मीटर। नाउ वी कंसीडर एन अदर एग्जाम्पल, वन सेंटीमीटर नंबर टू, वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर। अब मीटर वन सेंटीमीटर इज इक्वल टू मीटर, तो आप क्या किस तरीके से मीटर में कन्वर्जन होगी, तो वेरी सिंपल फॉर्मूला, वन एज इट इज रिपीट किया जाएगा, दिस इज अ प्रीफिक्स सी मीन्स प्रीफिक्स प्रीफिक्स सेंटी सेंटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सेंटी, टेन पावर माइनस टू, टेन की पावर माइनस टू एंड दिस इज अ यूनिट ऑफ लेंथ मीटर। ये कॉपी आपके पास एज इट इज मौजूद है, वन रिपीट किया आपने, दिस इज द प्रीफिक्स, द वैल्यू ऑफ सेंटी इज टेन पावर माइनस टू, वो आपने मेंशन कर दिया और साथ में मीटर आ गया। अब इसको और किस फॉर्मेट पे आप देख सकते हैं, याद रखिएगा जब भी पावर माइनस में होगी तो आप उसको किस तरीके से कन्वर्ट करवाएंगे, जब आप मैथ में देखते हैं जब पावर आपके पास अपॉन में आएगी तो वो प्लस में हो जाएगी आपके पास, तो इट्स मीन यू राइट वन अपॉन हंड्रेड, 10 की पावर 2 और 10 की पावर 2 मीन्स 100 मीटर। तो किसी भी सेंटीमीटर की वैल्यू को मीटर में कन्वर्ट करवाएं तो वही सिंपल फिनोमेना कि जो भी वैल्यू है उसको डिवाइड बाय 100 इज कन्वर्ट इनटू मीटर। ठीक है, थर्ड वन इज 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर, वन मिलीमीटर, वन नंबर। अब आपके पास डबल एम फॉर्मेशन, तो याद रखिएगा जब भी फिजिक्स के अंदर हम स्टडी कर रहे होते हैं कहीं पर आपके पास डबल एम आ जाए तो वन एम कंसीडर एज अ प्रीफिक्स एंड वन एम इज कंसीडर एज अ यूनिट ऑफ लेंथ। एक आप कंसीडर करेंगे प्रीफिक्स को और एक कंसीडर होगा एज अ लेंथ ऑफ, एज अ यूनिट ऑफ लेंथ, एज अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस, एज अ यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो वन दिस एम इज कॉल्ड प्रीफिक्स, एम मीन्स मिली, टेन पावर माइनस थ्री, टेन की पावर माइनस थ्री,
वन मल्टीप्लाई वैल्यू ऑफ प्रीफिक्स 10^-3 और जो मीटर है वो आप एज इट इज रिपीट कर देंगे जो भी होगा उसका यूनिट। अब पार किस में है? माइनस में। नाउ इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन और 1/10^3 और 10^3 मीन्स 1000 meters। तो जो भी आपके पास पावर माइनस में होगी उसको आपने प्लस में कन्वर्ट इसलिए करवाया था कि आपको सॉल्व करने में आसानी हो, कि 10^-3 को जब आप एक सिंपल सिस्टम में लिखेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, लेकिन अगर आप इस चीज़ को इस तरह लिख देंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। ठीक है बेटा, इस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ कन्वर्जन ऑफ लेंथ, कन्वर्जन ऑफ डिस्टेंस। नाउ एन अदर कन्वर्जन अबाउट द लेंथ, वन माइक्रोमीटर, वन माइक्रोमीटर। अच्छा, आप सोचेंगे सर हर जगह वन यूज करें तो कोई भी नंबर हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, तो वो नंबर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि नंबर तो एज इट इज कॉपी होंगे, ये बात याद रखिएगा। लेकिन जहन में कॉन्सेप्ट पैदा करना है, नंबर वन वैल्यू ऑफ डिजिट, सेकेंड वन इज प्रीफिक्स एंड थर्ड वन इज यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर है आपके पास। Now we write the one as it is, this symbol of micro prefix there, micro mu minus 6. So put the value of micro minus 6 and as it is the copy of unit of physical quantity meter. Power with negative sign it convert into positive sign, simple phenomena, or 1/10^6 meter. 10^6 means 10^6 means or 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है, this is a concept of conversion of length, first physical quantity kilometer into meter, सेंटीमीटर इंटू मीटर, मिलीमीटर इंटू मीटर, माइक्रोमीटर इंटू मीटर एंड लास्ट वन इज नैनोमीटर इंटू मीटर। वन नैनोमीटर इज इक्वल टू मीटर, वन नंबर एज इट इज कॉपी कर देंगे आप, दिस इज अ प्रीफिक्स नैनो स्मॉल एन 10^-9 पावर आपके पास माइनस में है। नाउ इट कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव साइन, 1/10^9 इनटू मीटर इज अ कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ लेंथ। इस तरीके से आप लेंथ में कन्वर्जन आप कर सकते हैं बेटा। वो जो न्यूमेरिकल आपके पास होंगे उसमें आपने एस आई यूनिट में कन्वर्ट करना है, बिकॉज दिस इज नॉट एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर नॉट अ किलोमीटर, एसआई यूनिट ऑफ मीटर इज मीटर नॉट अ सेंटीमीटर, एंड एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर इज नॉट अ मिलीमीटर। तो कन्वर्जन का मीन ये है कि हम उनको एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट करने के लिए एसआई प्रीफिक्स यूज किए जाते हैं। नाउ इट कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। नाउ वी कंसीडर द कन्वर्जन ऑफ टाइम, सेकेंड वन फिजिकल क्वांटिटी, सेकेंड फिजिकल क्वांटिटी इज कन्वर्जन ऑफ टाइम विद द हेल्प ऑफ एसआई प्रीफिक्सेस। कि टाइम को हम कन्वर्ट किस तरीके से कर सकते हैं बेटा, आवर्स कन्वर्ट इनटू मिनट्स, मिनट्स कन्वर्ट इनटू सेकेंड, मिली सेकेंड कन्वर्ट इनटू सेकेंड, नैनो सेकेंड इज कन्वर्ट इनटू सेकेंड। दिस आर डिफरेंट क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जन। फर्स्ट वन इज कन्वर्जन टाइम, कन्वर्जन ऑफ टाइम, वन मिनट सेकेंड, वेरी सिंपल, 1/60। यू नो एक मिनट में कितने सेकेंड है आपके पास बेटा, 60 सेकेंड है। नाउ वी कंसीडर 1 आवर, 1 hour is equal to days second. First it convert into minute and then it convert into second. 1/60 and into 60 it will be converted
3600 seconds. 1 hour is equal to 3600 seconds. Now, beta, I hope you understand the concept of conversion of physical quantities and SI prefixes. You know, okay, what is the conversion of length and what is the conversion of time? Time continue, inshallah. Apne next class mein isko continue karenge. Is चीज़ों को समझिएगा, सॉल्व कीजिएगा अपने कॉपी के अंदर. SI prefixes को टेबल क्यों रुक जाएं?